أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم الله ने मुझको पैदा किया अम्मा ने गोद में थाम लिया बाबा का दी का नाम आजान नन्ना सा दिल पुरनूर ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी रहीरुल्लाह नूर मुहम्मद

तो आपको किस तरह शौक़ हुआ इस फील्ड में मुझे शुरू से ही पढ़ने का भी शौक़ था और पढ़ाने का भी शौक था कि मैं बच्चों को कुछ सिखाऊं ताकि वो बड़े होकर कुछ बन सके कुछ आपकी तलीम बी ए अच्छा वालदेन आती हैं आपके पास बच्चों के जी आते हैं रिपोर्ट्स लेने आते हैं बच्चों की कारदगी के बारे में पूछने आते हैं कि बच्चों ने कितना इम्प्रूव किया और कितना वो कर सकते हैं ऐसे शौर है वालदेन को इस इलाके में जी है और ये अच्छा कोई पैगाम दें बच्चों के वालदेन को अपने स्कूल की तरफ से बतौर तो टीचर होने के नाते मैं ये देना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो बच्चों को नहीं पढ़ाते वो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम दें ताकि उनके बच्चे बड़े होकर कुछ बन सकें और इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें जी थैंक यू जी उनका नाम अल्पाइन स्कूल सिस्टम ये कहाँ पर वाक़ ये मिशन कॉलोनी रहमानपुरा है वहाँ पर वाक्य है तो कितना आसा हो गया स्कूल को रिसेंटली ओपन हुआ है एकम अक्टूबर से एक तकरीबन एक दो माह हुआ है ऐसे ओपन हुआ तो किस तरह शौक़ हुआ आपको यहाँ पे इस इलाके में स्कूल तो बहुत है हाँ बिल्कुल यानी कि जिस तरह से अल्लाह पाक का शुक्र है ग्रेजुएट अलहमदिल्ला हम हैं यहाँ पर इदारे तो चल रहे हैं लेकिन हम ये चाहते थे कि हम ना अपने एक माइंड सेट को जो हमने लिया हुआ है या पीछे हमारा जो इदारा था प्लेट साइंस अकेडमी का अलहमदिल्ला उसका हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट था और हमारी एक बच्ची के पूरे ग्यारह सौ नंबर आए थे ये हमारे पूरे स्टाफ की और हमारी और मैं कहता हूँ पूरे स्टाफ की मेहनत थी जिसके नतीजे में हमारा रिज़ल्ट आया और इसी के बेस में हम ये चाहते थे कि हम अपना एक इदारा बनाएँ अल्पाइन स्कूल सिस्टम के हवाले से और बच्चों में एकेबलिटी और एक क्रिएटिव क्रिएटिविटी वो हम यानी कि बच्चों के अंदर लेके आएँ अपने इदारे को लेकर और यही हम इंशाल्लाह इन पे काम कर रहे हैं और इन श्ला फ्यूचर लोगों को पता चल जाएगा कि हम एक अदारा बना के बैठे हैं और उसका बेहतरीन रिज़ल्ट अच्छा लॉकडाउन से आप भी मुतासर हुए हाँ लॉकडाउन से मुतासर होते लेकिन इतना इफेक्ट हमें नहीं पड़ा क्योंकि हम क्योंकि एक गवर्नमेंट इदारे से तो कोई ताल्लुक हमारा नहीं है हमारा तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही था एकेडमी थी लेकिन हमने लॉकडाउन में यानी कि क्लोज़ नहीं किया उसे हमने अपने बच्चों को मेहनत करवाई और अलहमद हमारा जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है अल्लाह के मसाइल इलाके के मसाई बस यही हैं कि लोगों का थोड़ा जो रिस्पॉन्स है ना तालीमी लिहाज से वो थोड़ा सा यानी कि थोड़ा वीक है हाँ तो उसके लिए क्या आप शोर आगाही कर रहे हैं उसके लिए आगही हम यही कर रहे हैं कि हम यानी कि पेरेंट्स को या जितने भी हमारे दो दोस्त हैं गुले वगैरह हैं उनके लिए हम ये कर रहे हैं कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह हम उन्हें फ्री यानी कि पढ़ाना चाहते हैं कोई दे पैगाम दें बच्चों के दे वाले को अपने स्कूल की तरफ से हमारे स्कूल की तरफ से इलाके के लिए या पेरेंट्स के लिए पैगाम है कि जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या फाइनेंशियल जो यानी कि कमज़ोर हैं हम उनको फ़ीस यानी कि तालीम देंगे इस इधारे में इन शाला और उनसे कोई यानी कि चार्जेज़ नहीं ले जाएंगे ताकि वो ताली मैदान में, में थोड़ा आकर अपने मुल्क का नाम रोशन करें और हमारे इलाके का नाम रोशन करें वेरी गुड माशा थैंक यू जी